देखो देखो कौन आए। वेलकम टू ऑलराउंडर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लगभग सभी वेब कंटेंट पर कैप्चा का यूज क्यों होता है, कैप्चा का उपयोग क्यों होता है। इस तरह से आपको लेआउट दिखता होगा। आप जब भी वेब कंटेंट कोई भी एक्सेस करते होंगे तो आई एम नॉट ए रोबोट करके तो उस पर आपको वेरीफाई करना पड़ता होगा, तो वो आपको आगे लेके जाता होगा या आपको वर्ड टाइप करने का आता होगा। चलिए जानते हैं इसका यूज क्यों होता है। तो कैप्चा टेक्नोलॉजी ऑथेंटिकेट्स दैट ए रियल पर्सन इज एक्सेसिंग द वेब कंटेंट टू ब्लॉक स्पैमर्स एंड बॉट्स दैट ट्राई टू ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट ईमेल एड्रेसेस और ट्राई टू ऑटोमेटिकली साइन अप फॉर एक्सेस टू वेबसाइट्स ब्लॉग्स और फॉरम्स। कैप्चा ब्लॉक्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स विच कॉन्ट रीड द डिस्टॉर्टेड लेटर्स इन द ग्राफिक। तो ये पढ़ के क्या समझ में आया आपको, मैं समझाता हूँ आपको। कैप्चा जो है ऑथेंटिकेट करती है, कैप्चा टेक्नोलॉजी जो है ऑथेंटिकेट मतलब पहचान करती है रियल पर्सन का जो कि वेब कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहा है, और ब्लॉक करती है स्पैमर्स को और बॉट्स को। बॉट्स को ये ब्लॉक कर देती है क्योंकि जो डिस्टॉर्टेड लेटर्स में जो लिखा हुआ रहता है ना ग्राफिक्स, यहाँ पे जैसे डिस्टॉर्टेड लेटर में लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट, तो ये जो है बॉट लोग नहीं इसको पढ़ नहीं पाता है। विच कॉन्ट रीड द डिस्टॉर्टेड लेटर्स मतलब बॉट लोग इसको नहीं पढ़ पाता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो स्पैमर्स और बॉट्स को कैप्चा टेक्नोलॉजी ब्लॉक कर देती है, और जो रियल पर्सन रहते हैं वो ही एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड लेटर्स को पढ़ पाते हैं क्योंकि वो रियल पर्सन रहते हैं। तो ये था कैप्चा का यूज, और इसीलिए कैप्चा दिया जाता है वेब कंटेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।